नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, JKSSB की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आउट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल पोस्टों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अब इसके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई से पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। उसमें पूरी तरह से बताया गया है कि जो JKSSB के फॉर्म है किस तरह आपको फिल करने हैं, प्रेफरेंस किस तरह आप दे सकते हो, कि आप दो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में इस वीडियो में जो है, उस जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें बताया गया है। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है दी गई है जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगी। फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। और ये नोटिफिकेशन जो है ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। और आने वाले समय में जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे JKSSB के थ्रू, वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पूरा अंडरलाइन करके। यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडवर्टीजमेंट पोस्ट, जो आपकी 4002 पोस्टें कॉन्स्टेबल होम डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं, जिसके फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 जुलाई से लगना शुरू हो जाएंगे और 29 अगस्त तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। टाइमिंग भी देख सकते हैं, सुबह 10 बजे से इसका पोर्टल ऑनलाइन जो है खुल जाएगा और 5 बजे शाम 5 बजे 29 अगस्त तक इसके जो फॉर्म है ये यहाँ पे भरे जाएंगे। और फीस का भी यहाँ पे रिसीप्ट दी गई है, इसी डेट के अंदर आपको फीस जो है अप्लाई करनी है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करें जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन है जो फॉर्म फिल करने के लिए, वो क्या क्या है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ही सिर्फ अप्लाई हो पाएंगे बाय असेसिंग द वेबसाइट JKSSB की, ये वाली वेबसाइट www.jkssb.nic.in। तो इस वेबसाइट पे आपके जो है फॉर्म अप्लाई होंगे। दूसरे नंबर पे देख सकते हैं कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एस पोर्टल, मतलब कि आपको यहाँ पे एक नई जो है ID बनानी पड़ेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। अगर आपने पहले से बना रखी है तो आप जो है वही वाली पुरानी वाली ID को लॉगिन कर सकते हैं, बाकी न्यू यूज़र के लिए यहाँ पे न्यू ID बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपके फ़ोन में ईमेल ID, मोबाइल नंबर डाला जाएगा, सब कुछ वहाँ पे गिवन होगा, ये सब डाटा आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों, बात करें आपकी एक अलग से ID बन जाएगी। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज़ द यूज़र नेम ओनली जनरेटेड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम रिसीव्ड टू द अकाउंट एक्टिवेशन मेल इंस्टेड ऑफ द ईमेल ID। मतलब जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपका जो यूज़र नेम जनरेट होगा उसी के माध्यम से आप जो है लॉगिन कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों, बात करें आफ्टर रजिस्टरिंग क्रिएटिंग लॉगिन डिटेल्स, द कैंडिडेट शैल कंप्लीट OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपना नाम, फादर नेम, जो भी अपनी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो एक्टिव एडवर्टीजमेंट होगा उस टाइम जो है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 1 होगा 2024 का, जैसे ही वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली देख सकते हैं कि द कैंडिडेट शैल केयरफुली फिल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, जो भी आपका फॉर्म होगा। जैसे ही फॉर्म जो है यहाँ पे लॉगिन करना शुरू होंगे, मतलब जैसे ही फॉर्म फिलअप होना शुरू कर होगे 30 तारीख से, तब एक न्यू वीडियो भी आपके लिए बना देंगे, उसके लिए आप जो है यहाँ पे वेट करना। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं कि ये वाला स्टेप इन्होंने बताया है, जैसे ही फॉर्म आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद आएगा आपका साइज़ ऑफ द फोटोग्राफ। मिनिमम मैक्सिमम आपको 20 KB से लेके 50 KB तक का ही जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है। और डाइमेंशंस देख सकते हैं कि हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए। और उसी तरह क्लियर, यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है, मतलब आपके क्लियर पासपोर्ट फोटो जो ग्राफ है वो आपको ले जाना है। ऐसा ना हो कि ब्लर्ड हो, क्योंकि ब्लर्ड चीज़ें काफ़ी बार रिजेक्ट भी फॉर्म हो जाता है। इन सभी की वजह से सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज़ जो फोटोग्राफ होता है, इन्हीं की मदद से ही आपको जो है यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर ये चीज़ें ब्लर्ड होंगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस भी हैं। सिग्नेचर का यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 KB से 20 KB के बीच में आपकी वो होनी चाहिए, आपकी KB का साइज़ होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हाइट और विड्थ देख सकते हैं, डायमेंशन 1.5 × 3.5 cm। फिर उसके बाद दोस्तों, 9th नंबर पे देख सकते हैं, द कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड आर फिल अप विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है। ऐसा ना हो कि आधार कार्ड पे आपके फादर नेम का कुछ अलग हो, फिर मार्कशीट पे आपका अलग हो, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाद में देख सकते हैं कि बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिलिंग द डिटेल्स इन अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्मेशन डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। मतलब ये आप जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरोगे ये आपकी फाइनल ही होगी, इसके बाद आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। देख सकते हैं, नो क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर आप भर देते हो तो बाद में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बेनिफिट्स रिलेटेड टू कैटेगरी वेटेज
शैल बी क्लेम्ड ओनली इन केस ऑफ पोसेशन ऑफ वैलिड विद इन द डेट सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट एंड नो सच क्लेम शैल बी एंटरटेड। देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया बाद में आपको को क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो यही है कि आप सही से फॉर्म को अप्लाई करें, एक दो बार चेक कर ले, फिर ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करें। एक बार देख सकते हैं कि वन सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने एक बार सबमिट कर दी एप्लीकेशन फॉर्म को, द कैंडिडेट हाउ एवर ए कैंडिडेट कैन कैंसल हिज आर हेल्प एप्लीकेशन इन इफ रॉन्गली फिल्ड अप एट एनी एनी टाइम बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द फॉर्म बिफोर द फी सच कैंसल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बी रिमिटेड। तो इन्होंने यही कहा है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है इन केस ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ए फ्रेश टिल द लास्ट डेट आफ्टर पेइंग न्यू फीस। मतलब आपको फॉर्म लगाना है और साथ ही साथ फीस भी साथ ही में पे कर देनी है, ऐसा ना हो कि डेट जो है लास्ट डेट निकल जाए और आप फीस बाद में पे करो। मतलब ऑनलाइन फॉर्म भी तब भी फिल करना है और एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको उसी टाइम ही यहाँ पे कर देनी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म लगा के छोड़ देते हैं, बाद में फ़ीस पेमेंट लास्ट में करते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करें। तो होपफुली आप जो है पेमेंट भी तब ही करें। उसके बाद उस वक्त देख सकते हैं कैंडिडेट एप्लीकेशन नॉट बी कंसिडर्ड इफ़ फी इज़ नॉट पेड फॉर दैट एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया फ़ी शैल बी पेड, ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, इसके माध्यम से आप जो है यहाँ पे फ़ीस को पेमेंट कर सकते हो अपनी। और दोस्तों आप साइबर कैफ़े में भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खुद ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको सिंपली साइबर कैफ़े में जाकर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आप जो है ईज़िली जो है इस फॉर्म को अप्लाई करोगे। तो 12th नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं नो हार्ड कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट शैल बी एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड। जो आपकी वहाँ पे प्रिंट आउट कॉपी मिलेगी वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होगी, वो सिर्फ एक स्टेज होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब ही आपको प्रिंटेड कॉपी लगेगी, वो आपको अलग से भी प्रोवाइड की जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है। बाकी आप जो फॉर्म अप्लाई करोगे उसकी प्रिंटेड कॉपी अपने पास जरूर रखें। देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगी एट द एंड, जब आपका नाम आएगा रनिंग होगी, तो उसी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपकी ये प्रिंटेड कॉपी लगेगी। तो आप अपने पास एक संभाल के जरूर रख सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव देयर प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट हैविंग द सेम पे लेवल फॉर द आइटम नंबर 1, 2, 5 और 6 दैट शैल बी कंसिडर्ड कम्बाइंड एग्जामिनेशन। जो इन पोस्टों का एग्ज़ाम है, मतलब 1, 2, 5 और 6, ये कौन सी पोस्टें हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है 1, 2, 5 और 6, यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 6 भी नीचे है। मतलब कॉन्स्टेबल का को जो फॉर्म है, कॉन्स्टेबल का फॉर्म देख सकते हैं कि आर्म्ड पुलिस, फिर SDRF, फिर उसके बाद दोस्तों 5th और 6th में क्या है, एग्जीक्यूटिव पुलिस है। कॉन्स्टेबल का एक ही फॉर्म लगेगा। पहले बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे कि कॉन्स्टेबल का क्या हम आर्म्ड का अलग से लगाना पड़ेगा, SDRF का अलग से लगाना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आपको कॉन्स्टेबल का एक ही फॉर्म फिलअप करना है और प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि पहली प्रेफरेंस आप जो है एग्जीक्यूटिव पुलिस को दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड है आप कौन सी देते हो। पहली प्रेफरेंस आप एग्जीक्यूटिव पुलिस को दे सकते हो, या फिर आर्म्ड पुलिस को दे सकते हो, या फिर SDRF को दे सकते हो। इन तीनों में से आपको प्रेफरेंस देनी है सीरियल वाइज, ये तीनों की प्रेफरेंस आपकी काउंट होगी। वो आप देख लेना कि पहले नंबर पे किसको देनी है, दूसरे नंबर पे किसको रखना है और तीसरे नंबर पर आपको किसको रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करें 3rd और 4th की बात करें तो ये अलग अलग से फॉर्म लगेंगे। यानी कि कॉन्स्टेबल का आप फॉर्म अगर भर देते हो तो आप टेलीकम्युनिकेशन का भी भर सकते हो अलग से, दूसरा फॉर्म भी लगा सकते हो, और तीसरा फोटोग्राफी का भी अलग से लगा सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी का अलग से लगेगा, बाकी कॉन्स्टेबल का एक ही फॉर्म आपका अप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका जो आइटम नंबर थे। और यहाँ पे 14th नंबर पे देख सकते हैं कि कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टेबल का इन पोस्टों का, आर्म्ड, SDRF और एग्जीक्यूटिव का। और उसके बाद 14 नंबर पे देख सकते हैं कैंडिडेट एडवाइज देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेल दैट द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन, इनेबिलिटी और फेलियर टू द लॉग इन टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल और अकाउंट ऑफ हैवी लोड ऑन द वेबसाइट। मतलब आपको क्लोजिंग डेट से पहले ही यहाँ पे फॉर्म भर लेना है, कोई पता नहीं इस बाद में एक्सटेंड हो या ना हो। उसके बाद एनी पर्सन हु फाइंड्स डिफिकल्टी इन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ड्यू टू टेक्निकल इशू, अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये इस जो है ईमेल पे उनको मेल कर सकते हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं फॉर सीकिंग गाइडेंस क्लेरिफिकेशन नो अदर मोड भी ग्रीवियंस और किसी भी टाइप से ग्रीवियंस आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो इसी ईमेल पे आपको यहाँ पे उनको मेल करना होगा। तो फाइनली यही जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, सिंपली डी लेटेस्ट इन्फो टेलीग्राम देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे JK पुलिस का भी ग्रुप बन चुका है, JK पुलिस कॉन्स्टेबल का, ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं
हैं, मैंने लिंक डाल रखा है। सबसे पहले आपको ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना है डी लेटेस्ट इन्फो, इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप ये ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर नाम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नाम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली स्टडी ग्रुप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जेके पुलिस कॉन्स्टेबल बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए ग्रुप बना हुआ है। एमसीक्यू, स्टडी नोट्स सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी जितने भी अपडेट आएंगे आगे जेके पुलिस से जुड़े आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बस ये था हमारा आज का वीडियो।